मुरैना में अज्ञात मृत युवक की पहचान होने पर परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन कर मामला दर्ज करने की मांग की। परिजनों की मांग थी कि फैक्ट्री प्रबंधन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए, वहीं पुलिस ने जांच की बात कर धरना खत्म करवाया। परिजनों का आरोप था कि फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर की मौत मशीन में आने से हुई, हालांकि युवक का शव रेल पटरी पर पड़ा मिला। गौरतलब है कि जिले के बानमोर थाना औद्योगिक क्षेत्र में संचालित बानमोर फोम फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर रामकृष्ण यादव का शव रेल पटरी के किनारे मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर मिट्टी में दफन करवा दिया था। 24 घंटे तक घर न पहुंचने के कारण परिजनों ने तलाश शुरू की। पुलिस के पास निशानी मिलने से उसकी पहचान हुई। कल देर शाम आक्रोशित परिजनों ने फैक्ट्री के बाहर शव रखकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू। फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड का कहना है कि 2 दिवस पूर्व अपना काम पूरा कर रामकृष्ण चला गया था, लेकिन साइकिल और खाने का टिफिन कैंपस में सुरक्षित रख गया। संभवतः इसी कारण परिजनों को संदेह हुआ। हाँ, ये जो मृतक है ये वहाँ पे फैक्ट्री में काम करता था, तो ये परसों वहाँ पे कल सुबह जानकारी मिली थी कि जो वहाँ पे रेलवे लाइन उस पर डेड बॉडी पड़ी अज्ञात में, उसका पता करने का प्रयास किया, तो उसका पोस्टमार्टम के बाद उसको हमने ये लोग से जानकारी करके समक्ष उसको दफना दिया था। बाद में पता चला कि वहीं पे फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति था, तो उसमें वृहद कार्रवाई करके उसकी डेड बॉडी को निकाला गया है। उसमें परिवहन जनों का वो था, डाउट था कि उसके बाद कोई घटना घटी है, उसकी पूरी जाँच करी जा रही है, जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हालांकि कुछ माह पूर्व इसी फैक्ट्री में एक महिला मजदूर की भी मौत मशीन में आने से हुई थी। न्यायालय ने फैक्ट्री प्रबंधक पर 25,000 रुपए का जुर्माना किया था। न्यायालय ने फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही मानते हुए 25,000 रुपए का जुर्माना किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर पान न्यूज, मुरैना।